हाँ तो जी, गुड इवनिंग गाइस, दिस इज पीके बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो ऑफ माय पर्सनल फेवरेट रेनॉल्ट काइगर। सामने कितना अच्छा सनसेट हो रहा है उधर, और कितनी अच्छी लोकेशन है। बारिश होने के बाद मौसम जो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मैं अपनी रेनॉल्ट काइगर के साथ, एक्चुअल मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ्रेंड का, जो आज अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देने आ रही है। तो मैंने सोचा इतना जब तक वो नहीं आ रही तब तक मैं अपनी गाड़ी का एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। अब ये चला चुका हूँ मैं 36,000 के आसपास, थोड़ा ज़्यादा ही चला दिया मैंने। तो मेरा अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 36,000 किलोमीटर चलने पे मुझे क्या चैलेंजेस आए, अच्छी है बुरी है क्या है, सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं एक्सेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोई बंदा लेना चाह रहा है यूज्ड या नहीं। हालांकि अभी जो फेस लिफ्ट आया उसमें तो बहुत सारे एडवांस फीचर हैं जो इसमें नहीं थे उस टाइम में 2022 के हिसाब से। बट अब अगर कोई बंदा लेना चाहता है 2024 में दिवाली के आसपास या अभी भी कभी भी 2024 के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर ऐसे आ गए हैं, जैसे TPMS आ गया, क्रूज कंट्रोल आ गया, और भी बहुत सारे फीचर हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके, तो वो अपग्रेड होके मिलेगी आपको। इसमें थोड़े फीचर्स कम थे उस टाइम के कंपैरिजन में, बट अब मेरा 36,000 चलाने किलोमीटर चला जाने के बाद इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं भी। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, जवान लड़खड़ा रही है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। इसको टाटा सफारी ने हिट किया था यहाँ से, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इस तरीके से, और ऐसे ही मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगी। एक हल्का सा डेंट आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो ये जहाँ पे ये हल्का सा हटा हुआ, ये हल्का सा डेंट था, ये एक स्कूटी वाला साइड से मार के गया था। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो क्योंकि ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार लेके आई है, तो भाई एक्चुअल में 4 स्टार है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अच्छी है, डोर इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बंद करते हो तो आपको फील होता है। और एक थोड़ा सा डेंट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ नज़र आएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ये भी ऐसी किसी ये मामा के लड़के से लगी थी हाँ उससे, और ये एक ऑटो वाले ने हिट किया था, तब ये हट गया था यहाँ से, स्क्रैच तब भी नहीं आया इसमें। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है तो माइंड मत करना, क्योंकि भाई बरसात का मौसम है, साफ़ कराने का धुलाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, 205 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आपको हर किसी ऑब्स्टेकल में, यानी कि ऑफ रोडिंग पैच में अगर आप ले जाना चाहते हो तो आराम से चली जाती है। टायर साइज़ भी इसका परफेक्ट है, जो टायर साइज़ मिलता है इसका 195/60 R16 मिलता है। हालाँकि ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट क्योंकि कंपनी के इंजीनियर्स हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ज़्यादा अच्छी R&D की है, और तो इस हिसाब से गाड़ी के हिसाब से टायर साइज़ ठीक है। बट मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं बोलूँगा 205/55 R16 वाले डाल सकते थे, जो आजकल और अब करंट में वेन्यू में आ रहे हैं, वो वाले टायर साइज़ कंसीडरिंग दी जो गाड़ी की बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से काफ़ी सही लगता। बाकी देखो भाई, गाड़ी देखने में एकदम परफेक्ट है, टॉप नॉच है। एवरेज मैंने इसको, अभी मैं बीच में मुरादाबाद गया था, हमारे किसी रिलेशन में किसी का की डेथ हो गई थी तो मैं मुरादाबाद गया था, तो काफ़ी मैंने खींची है, तो इसने मेरे को 17.2 या 3 की एवरेज दी है आने जाने में, तो एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, टॉप स्पीड भी इसकी जो है 185-190 तक चली जाती आराम से। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे लेके जाओ इतने उसमें। बाकी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अब जो सर्विस है इसकी जो 40,000 वाली, वो मैं एजेंसी से बाहर कराऊंगा, मतलब मैं इसकी जो वारंटी अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एजेंसी से कराई थी इसकी 30,000 वाली सर्विस, तो बहुत महंगी थी, 15,000 के आसपास हुई थी, जो मुझे नहीं लगता कि वर्थ है, मतलब इसी के सेगमेंट की जो इसके कॉम्पिटिशन में गाड़ी है उन्हीं की सर्विस कॉस्ट जो है आराम से 5,000-6,000 में हो जाती है। बट ये जो रेनॉल्ट काइगर है, रेनॉल्ट वाले हैं, इनकी सर्विस बड़ी महंगी है भाई, ये तो है। बाकी सारी चीज़ ठीक है, लाइट का थ्रो ठीक है, डिसेंट है, कंफर्टेबल है गाड़ी चलाने में, परफॉर्मेंस में, माइलेज में, बिल्ड क्वालिटी में, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। बंदे पूछते हैं भाई कौन सी गाड़ी है, वैसे तो टेक्निकली लगती है कि जैसे कि इसकी छोटी वाली बहन आती है, क्विड ऑन स्टीरॉयड्स बोल सकते हैं उसको, बट ये क्विड ऑन स्टीरॉयड नहीं है, एक्चुअल में रेनॉल्ट काइगर है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, जिसका इंटीरियर काफ़ी नीट एंड क्लीन मैंने रखा हुआ है। तो भाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो अगर कोई बंदा लेना चाहता है जिसे 10 लाख के बजट के अंदर गाड़ी लेनी है और उसे बेचनी नहीं आने वाले 10 से 15 सालों तक, तो वो डेफिनेटली गो फॉर दिस। और मैं आपको एक ग्राउंड क्लियरेंस नीचे से दिखा देता हूँ, देखो कितना अच्छा व्यू नज़र आएगा आपको, देखो यहाँ से देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी रहेगी, देखो ऐसे। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं तो रेकमेंड करूँगा, बंदा ले सकता है, किसी को लेनी है तो बिल्कुल जा सकता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सेकंड थॉट वो जा सकता है, इसको ले सकता है गाड़ी। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना भाई, कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चंस हो मुझसे, जो आप अपना कमेंट छोड़ देना और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।